हाय एवरीवन, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल सीएस इन शॉर्ट। और सीरीज़ चल रही है हमारी इस वक्त सी प्रोग्रामिंग की, ये है लेक्चर थर्ड। अगर आपने लास्ट दो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच दीज टू वीडियोस, जिसमें पहले वीडियोस में हमने फंडामेंटल सी प्रोग्रामिंग का बात किया है और दूसरे वाले में हमने बात किया है कि सिंटेक्स क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और सारी बेसिक्स जो वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके सारी चीज़ें। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज़ गो एंड सी दीज वीडियोज़। चलिए शुरू करते हैं आज की सी प्रोग्रामिंग का थर्ड लेक्चर। चलिए तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका सामने मैंने मेंशन किया हुआ है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। देखिए दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं सी प्रोग्रामिंग में आपके होते हैं, एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट और दूसरे होते हैं आपके रेपिटेशन स्टेटमेंट। रेपिटेशन स्टेटमेंट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपका लूप्स होंगे, फॉर डू व्हाइल एंड व्हाइल लूप। और आज हम लोग पूरा लेक्चर ये डिस्क्राइब करेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली हैव देयर थ्री वेज, वन वे, टू वे एंड थ्री वेज। तो बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट के फर्स्ट वे क्या है। देयर इज दीज आर वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। वन वे एज द नेम इम्प्लाइज, वन वे का मतलब है सिंगल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है और उसमें आप सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं सिर्फ, तो आप उसे बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट का वन वे प्रोसीजर या वन वे स्टेटमेंट। क्या उसका बेसिक सिंटैक्स है, उसके बेसिक सिंटैक्स की बात करें तो बेसिक सिंटैक्स उसका है इफ लिखेंगे, उसके आगे आप एक्सप्रेशन देंगे, दैट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कंडीशन। कंडीशन कि क्या कंडीशन आप दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स है डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्सप्रेशन ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट आपका गलत है, फॉल्स है, इफ द सिस्टम फाउंड दिस एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स, दीज स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट, प्रोग्राम विल टर्मिनेट। और अगर ये एक्सप्रेशन सही है, ये कंडीशन फॉलो करता है, तो ये स्टेटमेंट वट एवर द नंबर ऑफ स्टेटमेंट यू हैव रिटन इन साइड दैट इफ, दीज होल ऑल स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द योर कंपाइलर। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्सप्रेशन दैट कंडीशन दीज स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, नहीं तो प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट होके वापस ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुआ आपका वन वे स्टेटमेंट, जिसे आप सिंगल इफ स्टेटमेंट बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द टू वे इफ स्टेटमेंट या टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, अब यहाँ हम यूज करेंगे इफ एंड फॉलोड बाय एल्स, इफ फॉलोड बाय एल्स। अब ये कैसे एक्सप्रेशन यूज होगा, दिस इज कंप्लीटली सिमिलर टू वन वे स्टेटमेंट, बस इसका थोड़ा सा एनहांस किया है हमने। कैसे, यहाँ पे आपने देखिए लिखा हुआ है इफ एक्सप्रेशन, इफ एंड उसके आगे मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट वन, माइंड दिस वन, देन एल्स स्टेटमेंट टू। लॉजिकली आप सोचें कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो एल्स में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इन चीज़ों को बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होता है कि ये दोनों जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, कंपाइलर में लिखते हैं या कॉपीज़ पे लिखते हैं या आपको नॉर्मल प्लेसमेंट के टाइम पे भी आपको पूछ लिया जाता है कि इफ़ यहाँ पर लिख सकते हैं या एल्स यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ़ को इधर लिख सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये हमेशा एक ही लाइन में रहेंगे इन लाइन। तो अभी टू वे एक्सप्रेशन क्या हुआ आपका, इफ द फॉलोड बाय अ कंडीशन, इफ कंडीशन विल बी ट्रू देन स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूटेड इफ बोथ। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों गलत हो जाए, अगर ये गलत है तो इनमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा ही। स्टेटमेंट में आपका कोई मैसेज हो सकता है जो आप प्रिंट एफ दे रहे हैं, या कोई अदर ऐसा रिटर्न टाइप हो सकता है, कोई फंक्शन कॉल हो सकती है जो आप किसी और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप इफ एल्स यूज़ करते हैं दैट इज़ फार बेटर देन इफ स्टेटमेंट और वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा सिंपल एग्जांपल जो कि मेरे इस सिंटैक्स को पूरा ऑथेंटिकेट करेगा या
रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ If x is greater than y, अब मैंने यहाँ पर वो बेसिक सिंटेक्स नहीं लिखा है जो मैंने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया है कि x और y वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाएंगे, इनिशियलाइज कैसे किए जाएंगे, ये आप सेकेंड वीडियो देखिए मेरा और उसमें आपको पता चलेगा। इफ के आगे है x is greater than y, देन प्रिंट एफ मैं करा रहा हूँ x is big, else प्रिंट एफ y is big, वेरी सिंपल। कोई आपसे पूछ रहा है कि अगर आप बताइए कि हाउ टू कंपेयर विद टू नंबर्स, देन सिंपल इफ स्टेटमेंट टू वे से आप सिलेक्शन स्टेटमेंट से बता सकते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो आप प्रिंट करेंगे x इज बिगर देन y या x इज बिग, एल्स नहीं है तो y बिग है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू वे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब बात करते हैं व्हाट इज थ्री वे, थ्री वे और यू कैन से इट मल्टीपल वे। आई हैव रिटन हियर इफ फॉलोड बाय एल्स इफ डॉट 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 एल्स, दैट्स मीन इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, मतलब कि मल्टीपल। आप कोशिश करिए समझने की अगर इन दोनों को आपने थोड़ा सा भी समझा है। इफ एक्सप्रेशन वन देन स्टेटमेंट वन, एक्सप्रेशन एल्स इफ एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट टू, डॉट 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 एल्स इफ एक्सप्रेशन एन स्टेटमेंट एन, देन एल्स स्टेटमेंट ई। मतलब कि आपको बहुत बड़ा या लेंथी प्रोग्राम लिखना है वेयर यू नीड वेयर यू कैन नॉट यूज इफ स्टेटमेंट, क्योंकि इफ स्टेटमेंट आपका सिर्फ एक बार यूज होकर बार बार आपको इफ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन लिखने हैं। नाउ हियर वी चेक ऑल नंबर ऑफ कंडीशन इन अ सिंगल वे, एक्सप्रेशन वन स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट एंड देन मल्टीपल टाइम एन टाइम्स। तो ये आपका हो गया मल्टीपल वे या थर्ड वे इफ एल्स या सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे बेस्ट आपका कौन सा होगा, थ्री वे, या अगर आप थोड़े से मॉडरेट हैं या एकेडमिक्स के टाइप पे यूज़ करते हैं तो आई विल सजेस्ट टू वे। बहुत स्टूडेंट्स को ये चीज़ पसंद होती है कि वो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं रादर देन ये यूज़ लूप। मुझे मालूम है जो लोग एकेडमिक्स में इस वक्त ऐसे जोन से हैं तो वो ऐसे ताल्लुकात रखेंगे कि लूप की जगह ये क्यों आसान है, लूप में कंडीशन कैसे आए, प्लस प्लस आए, माइनस माइनस होता है। बहरहाल ये चीज़ हम आगे खैर डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों में बेस्ट जो आपका है, जो मार्केट में कंपनीज में आप काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, थ्री वे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ से शुरू करें, फिर टू वे पे स्विच करें, देन यू मस्ट यूज़ मल्टीपल वे या थ्री वे। इन सब के अलावा एक चीज़ जो आपके एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दैट इज नेस्टेड। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ एल्स कौन से वाले, नेस्टेड। देखिए नेस्टेड का मतलब होता है एक घोंसला जिसे बोलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक नेस्ट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, एक इफ स्टेटमेंट आया, यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन आया, उसके बाद आपने एक ब्रैकेट बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक और इफ स्टेटमेंट लिख दिया, उसका स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। मतलब कि आप ये सोचिए कि इतना पोर्शन टू वे का यहाँ रखा है, फिर उसने क्या किया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इस इफ का मतलब ये इस इफ का ये स्टेटमेंट हो गया, और इस स्टेटमेंट में ही उन्होंने इफ स्टेटमेंट डाल दिया, दैट विल बी दैट इफ इज नेस्टेड इनसाइड दैट इफ, ये कहने का मतलब है। अब ये ब्रैकेट बंद हुआ है, उसके बाद एल्स आया है, इफ का फॉलोड बाय एल्स, उसके अंदर भी उसने क्या किया है, ब्रैकेट बनाया, इफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट थ्री एल्स स्टेटमेंट फोर, ब्रैकेट बंद, मतलब कि ये एक टू वे ही है, बट इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट इंप्लीमेंट अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये भी एक तरह से मल्टीपल की तरह काम करेगा, बट द बेसिक सिंटैक्स वी हैव यूज्ड फ्रॉम टू वे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये आपका नेस्टेड है। तो जब आप थोड़ा सा काम इफ पे कर लेंगे उसके बाद ये बहुत आसान लगेगा आपको, एंड व्हेन यू बिकम लिटिल बिट कंफर्टेबल विद यू नो टू वे स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेट टू वे इफ एल्स स्टेटमेंट, देन यू कैन ईजिली राइट प्रोग्राम इन थ्री वे एंड यू कैन ईजिली राइट प्रोग्राम इन यू नो नेस्टेड वे। एंड मैं श्योर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और मैंने लास्ट वाले में मुझे जो रिक्वेस्ट आई हैं कि आप पीडीएफ की कॉपीज दीजिए, तो इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ कॉपी विद नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू सॉल्व
सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा उनके, बट एक वीक या दो वीक के गैप पे आपको प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करनी है. यू नीड टू राइट प्रोग्राम्स ऑन दीज क्वेश्चंस. आई हैव गिवन स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी वीडियो. लास्ट वाले पे मैंने जो सिंटेक्स बताया, अब इफ एल्स वाले का पूरा मैं आपको प्रॉब्लम देने वाला हूँ सॉल्यूशंस. वो एकेडमिक से लेके पूरा नेट गेट जेआरएफ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल होगा. इफ़ यू गाइज रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट इन कमेंट सेक्शन और इन माई फेसबुक इंस्टाग्राम कि आप किस टॉपिक पर्टिकुलर पे वीडियोज़ चाहते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.